नमस्ते, मैं अविचल दुबे। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंका और पोजीशन मिली नंबर वन। बंदे का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो देश में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल लेकर आए। लेकिन आपने नीरज की अब तक काफ़ी सारी कहानियां सुन ली होंगी, लेकिन असल कहानी से शायद दूर हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो इस जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने से जुड़ी हुई है शायद ना पता हो, इसलिए मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगा। दरअसल नीरज चोपड़ा किसी खास वजह से इस इवेंट में नहीं आए, यानी कि जीतने खेलने के हिसाब से तो बिल्कुल भी जेवलिन थ्रो उन्होंने एक स्पोर्ट्स के रूप में नहीं चुना। हरियाणा के पानीपत से आने वाले नीरज का बचपन से ही दूध दही खाने का शौक था। इसकी वजह से उनका वजन जल्दी से बढ़ने लगा। बाकी कोटा दादी ने पूरा कर दिया और दादी ने खूब लाड प्यार से नीरज को चूरमा खिलाया। नतीजा ये हुआ कि बचपन से ही नीरज कुछ ज़्यादा ही अच्छी सेहत के रहने लगे। 11 साल की उम्र में उनका वज़न 80 किलो था। इस वजन को देखते हुए परिवार वालों को अब उनकी फिटनेस की चिंता शुरू हुई, क्योंकि लोग उनका अब लगातार मजाक बनाने लगे थे। इन सब बातों को देखते हुए नीरज के जो चाचा हैं सुरेंद्र चोपड़ा, उनको चिंता काफी ज्यादा होने लगी और इसकी वजह से उन्होंने गांव से काफी दूर पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम में नीरज का दाखिला करा दिया। उनको वहां ले जाने लग गए। इसके साथ ही फिटनेस सेंटर में भी नीरज को ले जाने की बात सुरेंद्र चोपड़ा ने ही शुरू करी थी। नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा आज उनकी उपलब्धि पर कहते हैं कि मैं उसके लिए टॉर्चर वाला अंकल था, क्योंकि मैं सवेरे उसे जल्दी उठा देता था। अब इन सारी कहानियों को याद करके अच्छा लग रहा है। शुरू से हम उसे स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर ले जाते थे। अपने गाँव से दूर फिटनेस सेंटर ले गए तो हमें उसके खाने को पूरी तरह से बदलने के लिए कहा गया। शुरू में तो नीरज ने इस बात को पूरी तरह से मना कर दिया और स्टेडियम से वापस आकर भी नीरज खूब चूरमा खाता था, इसलिए उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया। 13 साल की उम्र में उसका वजन 80 किलो ही रहा, जो 11 साल की उम्र में भी था। नीरज के चाचा ने उनको शुरुआत से ही स्पोर्ट स्टेडियम में किसी न किसी स्पोर्ट से जुड़ने की सलाह दी थी, यानी कि उनको आगे बढ़ाया था। नीरज ने रैंडमली जेवलिन थ्रो करते हुए अपने सीनियर्स को देखा और उनको ये पसंद आया। जब नीरज ने पहली बार जेवलिन फेंका यानी कि भाला फेंका तो उनका शुरुआती दौर में अच्छा भाला गया। सीनियर्स ने प्रमोट किया और उनको आगे बढ़ाया। खास तौर पर नीरज जयवीर की चर्चा करते हैं, जयवीर उनके सीनियर हैं, और उनकी चर्चा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने उनको खूब आगे बढ़ाया। इसके बाद नीरज ने अपनी फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए 13 साल के बाद जब चाचा ने घरवालों ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा करनी शुरू कर दी फिटनेस को लेकर, तो नीरज ने जेवलिन थ्रो को ही अपने स्पोर्ट्स के रूप में चुना और उसको आगे तक ले जाने की सोची। इसके बाद आज ये नतीजा है कि नीरज देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ पाए हैं। यानी कि अगर मोटे तौर पर एक लाइन में कहा जाए तो नीरज अपना वज़न कम करने के लिए स्पोर्ट स्टेडियम पहुंचे थे और वो जेवलिन थ्रो की तरफ इंस्पायर्ड हो गए और उसी गेम को आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची। और आज स्थिति ये है कि नीरज देश के हीरो बने हैं, दुनिया में भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही नीरज का बैकग्राउंड जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो नीरज हरियाणा के पानीपत के गाँव खुंदरा से आते हैं। 23 साल के हैं नीरज और उनके पास अभी काफ़ी वक्त है। जेवलिन थ्रो वाले इवेंट में वो आगे और अच्छा कर सकते हैं। पिता सतीश चोपड़ा किसान और माँ सरोज देवी हाउसवाइफ हैं, घर का काम देखती हैं। जेवलिन थ्रोअर बनाने के लिए नीरज को चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने प्रमोट किया। नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने फाइनल्स से पहले बताया था कि ओलंपिक के लिए नीरज ने इतनी मेहनत करी है कि बीते एक साल से लगातार उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर रखा है। 2016 में पोलैंड में अंडर 20 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था नीरज को। 2016 के दक्षिण एशियाई और 2017 के एशियाई एथलेटिक्स में बेस्ट जेवलिन थ्रोअर के रूप में जाने गए थे नीरज चोपड़ा। 2018 में एशियन और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। अगर उनका ऑल टाइम बेस्ट जाने तो वो 88.07 मीटर है, लेकिन नीरज का गोल है, जो टारगेट है वो है 90 मीटर से ऊपर भाला फेंकना। वाकई हम सभी को विश्वास है कि नीरज जरूर अपना टारगेट अचीव करेंगे और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे।
वाकई कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नीरज अपने को फिट करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे थे, वहां उन्होंने जेवलिन थ्रो एक स्पोर्ट्स को देखा, एक इवेंट को देखा, उसको चुना, रैंडमली चुन लिया और आज देश के बेस्ट एथलीट बन गए हैं।